यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का संचालन करने वाली समिति ने ज्ञानवापी मस्जिद से सटी 1700 स्क्वायर फीट जमीन का टुकड़ा विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दे दिया है। इसके बदले समिति को पास में ही एक दूसरी जमीन उपलब्ध कराई गई है। ऐसा माना जा रहा है कि वाराणसी में बन रहे श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को इस जमीन के जरिए भव्यता मिलेगी। लंबी बातचीत के बाद 23 जुलाई को दोनों पक्ष इस एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी पर सहमत हुए। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो जमीन मुस्लिम पक्ष ने मंदिर पक्ष को दी है वे ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सामने की है। मंदिर प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए इस जमीन की मांग की थी। इस जमीन पर साल 1993 के बाद से अस्थाई कंट्रोल रूम बना हुआ था। इस जमीन को मस्जिद समिति ने अस्थाई पट्टे पर दिया हुआ था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए मंदिर ट्रस्ट ने जमीन के साथ इस हिस्से की मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी एसएम यासीन ने बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कंट्रोल रूम बनाने के लिए इस प्लॉट को दिया था। अब कॉरिडोर के लिए इस जमीन की जरूरत भी थी क्योंकि रास्ता बहुत संकरा था। वाराणसी प्रशासन ने मुझसे कई बार बात की जिसके बाद मैंने अपने लोगों से इस मुद्दे पर बात की। बातचीत में भी करीब 2 साल का वक्त लगा। अब सब जगह से परमिशन लेने के बाद ये फैसला लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जमीन के बदले मस्जिद समिति को भी एक जमीन दी गई है जो इसी मूल्य की है। जो जमीन मस्जिद समिति ने दी है वह 1700 स्क्वायर फीट की है और जो जमीन इसके बदले मिली है वह 1000 स्क्वायर फीट की है। इंडियन एक्सप्रेस ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सीईओ सुनील वर्मा के हवाले से लिखा है, ये ट्रांसफर ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच हुआ है। इसका मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वक्फ संपत्ति होने के कारण इसे खरीदा नहीं जा सकता था, लिहाजा हमने इसके बदले इसी कीमत की एक दूसरी संपत्ति उन्हें दी। एसएम यासीन कहते हैं कि इस फैसले से समाज में हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई पट सकेगी और एक अच्छा संकेत जाएगा। जो जमीन दी गई है वह मस्जिद के पास वाली है, दूसरे पक्ष को जरूरत थी इसलिए दी गई। अब देखना है कि दूसरा पक्ष कितनी पहल करता है। गौरतलब है कि जमीनों का ये लेन देन वाराणसी की एक स्थायी अदालत के फैसले के बाद आया है जिसमें मस्जिद परिसर में ASI सर्वे का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि ASI ये पता करे कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर था या मस्जिद थी और आज़ादी के वक्त परिसर का धार्मिक स्वरूप कैसा था। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी वरुण ने। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देश में हालात कुछ ठीक नहीं है। आप लोग भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। घर से बाहर सिर्फ तभी निकलें जब कुछ ज़रूरी काम हो। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपने अब तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन की डोज भी ज़रूर ले लें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शुक्रिया।